हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है द लेजी बर्ड। लेजी क्या होता है? आलसी। और बर्ड क्या होता है? पक्षी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देयर वाज वंस ए लिटल बर्ड हु वाज वेरी नाइस। एक बार क्या था? एक छोटा पक्षी, नाइस होता है प्यारा, और वह क्या था? बहुत प्यारा। बट वेरी वेरी लेजी, लेकिन वह क्या था? बहुत ही आलसी था। एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। व्हेन इट वाज टाइम टू गेट अप, गेट अप होता है उठना, तो प्रत्येक दिन जब उसके उठने का समय होता, द अदर बर्ड्स हैड टू शाउट एट हिम अगेन एंड अगेन। शाउट होता है चिल्लाना, तो जो दूसरे पक्षी थे उनको उस पर चिल्लाना पड़ता था। अगेन बिफोर द वुड फाइनली स्ट्रगल आउट ऑफ बेड। स्ट्रगल होता है मतलब संघर्ष करना, मतलब कोशिश करना कुछ करने की। तो जब वह उठने की कोशिश कर रहा होता उससे पहले, मतलब क्या है, जब वह उठने की कोशिश कर रहा होता तो उससे पहले जो दूसरे पक्षी थे उन सबको उस पर चिल्लाना पड़ता था। ओके, क्लियर। एंड वहन, और जब, देयर वाज सम जॉब ही हैड टू डू। जॉब का मीनिंग है यहाँ पे कुछ कार्य, तो जब वहाँ कुछ कार्य होता, ही हैड टू डू, जो वह कर सकता था। ही वुड कीप पुटिंग इट ऑफ। पुटिंग इट ऑफ का मीनिंग होता है चीज़ों को टालते रहना, मतलब करना नहीं उसको, तो वह उसको टालता रहता, किसको? काम करने को। अनटिल देयर वाज हार्डली इनफ टाइम लेफ्ट टू डू इट। हार्डली होता मतलब मुश्किल से, और जब मुश्किल से कुछ काम करने के लिए, सॉरी, जब मुश्किल से कुछ करने के लिए थोड़ा सा टाइम बचा होता। द अदर बर्ड्स केप्ट टेलिंग हिम, और जो दूसरे पक्षी थे वो उसको कहते रहते थे, टेलिंग मतलब कहना। बट ए लेजी बर्ड यू आर, कि तुम कितने आलसी पक्षी हो। ओके, यू कैन नॉट जस्ट कीप लीविंग एवरीथिंग टू द लास्ट मिनट, और तुम सब कुछ करने के लिए जब लास्ट मिनट बची होती है तो उसको कैसे कर सकते हो। मतलब क्या है कि जब सब कुछ करने के लिए लास्ट टाइम थोड़ा समय बचा होता है तो तुम वैसा कैसे कर सकते हो। बा, देयर रियली नो प्रॉब्लम। बा मतलब उसने कुछ आवाज़ निकाली। देयर रियली नो प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है। आंसर्ड द लिटल बर्ड, जो छोटे पक्षी थे उसने उत्तर दिया। आई जस्ट टेक ए बिट लोंगर टू गेट अराउंड एंड डूइंग थिंग्स। आई जस्ट टेक ए बिग लोंगर, कि मैं किसी कार्यों को करने में क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय लेता हूँ। मतलब मैं किसी कार्यों को करने के लिए, उसको बारे में जानने के लिए या चीज़ों को करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता हूँ। डैट्स ऑल, बस इतना सी बात है। द बर्ड्स स्पेंट ऑल समर फ्लाइंग एंड प्लेइंग। समर होता है गर्मी, स्पेंट मतलब बिताना, और फ्लाइंग मतलब उड़ना। तो जो पक्षी होते हैं वो अपना सारा समय इधर उधर उड़ने और खेलने में बिताते हैं। एंड वहन ओटम कम, और जब पतझड़ आता, ओटम मतलब पतझड़, जब गर्मी और सर्दी के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है? पतझड़। तो जब पतझड़ आता, एंड यू कुड स्टार्ट फीलिंग द कोल्ड, और जब तुम्हें ठंड लगनी महसूस होती है, दे बिगन टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग जर्नी टू ए वार्मर लैंड। वार्मर लैंड, तो बिगन मतलब शुरू करना, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना कुछ करने की, और जर्नी होता है मतलब यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो वे शुरू करते क्या? एक लंबी यात्रा करने के लिए, या गर्म स्थान होते हैं उन पे जाने के लिए वो खुद को तैयार करते। कौन? बर्ड्स। बट आवर लिटल बर्ड,
लेकिन जो हमारा छोटा पक्षी है था लेजी एज एवर, जो हमेशा आलसी था, कैप्ट पुटिंग इट ऑफ, जो क्या करता रहता था, चीज़ों को टालता रहता था। फीलिंग क्वाइट श्योर डैट देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी। फीलिंग क्वाइट श्योर मतलब वह पक्का होता, मतलब श्योर मतलब पक्का, किस लिए, दैट देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब वह सोचता था कि किसी कार्य को करने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। प्रिपेयर फॉर द जर्नी मतलब यात्रा के लिए उसके पास अभी तो बहुत टाइम है। डैट वाज अनटिल वन डे वहन ही वोकअप, तो इसलिए अनटिल वन डे वहन ही वोकअप, एक दिन वह जब उठा, वोकअप मतलब उठा, एंड ऑल द अदर बर्ड्स वर गोन, जो दूसरे सभी पक्षी थे वो जा चुके थे। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। आप लोगों को इसकी हिंदी लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है, अच्छे से सुंदर सुंदर कॉपी में। ओके, थैंक यू।